जय हिंद दोस्तों। आज पॉलिटी में हम लोग भाग 13 और भाग 14 का ग्रुप डिस्कशन करेंगे। चूंकि भाग 13 कभी एग्जाम में पूछा नहीं पूछा नहीं गया गया। है, जो कि भाग 13 जो है भारत के राज्य के भीतर वाणिज्य व्यापार एवं समागमन है, जो कि 301 से 307 के बीच में, आर्टिकल 301 से 307 के307 के बीच में बीच में है। अब आते हैं, चूंकि कभी पूछा नहीं है, अभी हम लोग जो वनडे इसलिए इसका एग्जाम, डिस्कस नहीं करेंगे। जो छोटे छोटे एग्जाम है उसमें पूछा नहीं है, इसलिए हम लोग उसका ग्रुप डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हम भाग जो है कि चौदह 14 14 पूछना चालू करते हैं, जो कि 308 से 323 के तेईस बीच का में है। ठीक है, अब देखिए भाग 14 जो है यह संघ एवं राज्यों के बीच अधीन सेवाएं अधीन हैं। सेवाएं हैं, संघ एवं राज्यों की अधीन सेवाएं हैं। तो यह कौन कौन सा है, तो देखिए आर्टिकल 312, आर्टिकल 312 कहता है कि अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं जो कि तीन प्रकार की होती हैं। ठीक है, एक है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, तो जो भी प्रशासन की सेवा करता है उसे आईएएस करते हैं। ठीक है, अब दूसरा होता है भारतीय पुलिस सेवा, तो भारतीय पुलिस सेवा में आईपीएस। ठीक है, और आता है एक भारतीय वन सेवा, भारतीय वन सेवा में कौन आता है, तो आईएफएस आता है। तो कौन कौन हो गया, तीन हो गया आपके, आईएएस, आईपीएस और आईएएस, आईएफएस, आईपीएस और आईएफएस। हिंदी में भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा। भारतीय वन सेवा, या आर्टिकल 312 के अंतर्गत है। आर्टिकल 312 के अंतर्गत है। ठीक है, आर्टिकल 312 के अंतर्गत कौन है, आईएएस, आईपीएस और अखिल भारतीय आईएफएस। सेवाएं। और अखिल भारतीय सेवाएं कितने प्रकार की होती हैं, तीन प्रकार की। कौन कौन है, तो आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है। अब आते हैं आर्टिकल 315। आर्टिकल 315 है कि संघ के लिए एक यूपीएससी, मतलब संघ लोक सेवा आयोग, और राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। तो जो यूपीएससी होता है, यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस ठीक है, कमीशन। जिसको होता है संघ इसलिए लोक देखिए सेवा आयोग। राज्य के लिए भी अलग अलग होता है, तो जैसे बिहार के लिए निकलता है बीपीएससी। हाँ, ठीक है, बिहार पब्लिक सर्विस सर्विस कमीशन। कमीशन करके है, तो बिहार हर अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग है, राज्य के लिए अलग अलग लोक सेवा आयोग है। ठीक है, तो आर्टिकल 315 में है क्या है कि संघ के लिए एक यूपीएससी हो यूपीएससी गया होगा और और राज्य राज्य के के लिए लिए स्टेट स्टेट पीसीएस होगा। पीसीएस होगा। तो आर्टिकल 1 इसमें है, 315 के अंतर्गत है। आर्टिकल 316 में क्या है, आर्टिकल 316 है कि सदस्यों की नियुक्ति और उसके कार्यकाल के बारे में, कार्यकाल सदस्यों की नियुक्ति और उनके कार्यकाल। के बारे अब में। देखिए यूपीएससी का जो है राष्ट्रपति करते हाँ, हैं, उसके सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करते सदस्य की हैं, नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। लेकिन पीएससी की कौन करते हाँ, हैं, जो स्टेट पीएससी का स्टेट में होता है है जो वो उसके राज्यपाल लिए होंगे राज्यपाल करते तो वो करेंगे। अब देखिए कार्यकाल जो है इनका 6 वर्ष होता है, और 65 वर्ष के, या तो हैं। 65 वर्ष हाँ, तक। 65 वर्ष रिटायरमेंट, या फिर 6 साल पूरा हो जाए, या 65 वर्ष पूरा, अब जो देखिए पहले पूरा पीएससी हो जाए। में क्या होता है, 62 वर्ष या तो छह वर्ष 6 वर्ष। ठीक छह है, वर्ष या 62 साल उम्र होनी चाहिए। आर्टिकल 318 में क्या है, आर्टिकल 318 है कि यूपीएससी अध्यक्ष एवं स्टेट जो पीएससी होते हैं उसके अध्यक्ष के वेतन और भत्ते के बारे में, सदस्यों के वेतन और भत्ते के भत्ते बारे में। में। मतलब यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जो हैं, स्टेट पीसीएस के अध्यक्ष के सदस्य जो हैं उनके वेतन भत्ते भत्ते के भत्ते बारे के में हाँ। आर्टिकल 318 के अंतर्गत है। आर्टिकल 320 क्या है, आर्टिकल 320 है कि यूपीएससी आयोग और स्टेट पीएससी का कर्तव्य है कि प्रत्येक वर्ष सिविल एग्जाम करवाए। तो आर्टिकल 320 के अंतर्गत है कि यूपीएससी आयोग, मतलब यूपीएससी आयोग जो है और स्टेट पीसीएस जो है, जैसे संघ का जो आयोग हो गया और जैसे राज्य स्टेट का वाला आयोग जो हो गया, उसका कर्तव्य है कि वह हर प्रत्येक ईयर्स में क्या सिविल सेवाएं एग्जाम करवाए। एग्जाम जैसे करवाए। देखिए यूपीएससी का हर साल एग्जाम होता है, वैसे ही बीपीएससी का, जैसे बिहार का बात कर रहे हैं तो हाँ, बीपीएससी हर साल एग्जाम करवाती है। लेकिन रेलवे में ऐसा कुछ है नहीं, या रेलवे तो का बना ही नहीं है, हाँ, तो ये रेलवे का इसके लिए कोई, कहा गया है यूपीएससी हाँ और तो स्टेट यूपीएससी इसी यह के लिए। आर्टिकल में मेंशन है, इसलिए क्या है, वो लोग बाध्य हैं कि हाँ, प्रत्येक ईयर्स क्या करें, वो सिविल लोग सर्विस एग्जाम सिविल करवाए। सेवा एग्जाम करवाएं। लेकिन देखिए रेलवे में कोई आर्टिकल तो है नहीं रेलवे के लिए, यदि रेलवे के लिए भी इसमें कोई आर्टिकल बात नहीं होता है ना। तो वो भी प्रत्येक ईयर्स करवाते, लेकिन वो तो पंचवर्षीय योजना चल रहा है, तो वहाँ भी आर्टिकल मेंशन होता तो वहाँ भी प्रत्येक ईयर्स
क्या करवाते हैं, एग्जाम करवाते हैं। आप देखिए आर्टिकल 320, आर्टिकल 320 हो गया तो ना? हो गया आर्टिकल 323। आर्टिकल 323 है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति के समक्ष वार्षिक परीक्षाओं का विवरण प्रस्तुत करे। जो भी परीक्षा कराया है उसका विवरण किसको प्रस्तुत करेगा? राष्ट्रपति को करेगा। कौन? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष करेगा। तो इस तरह हम लोग का संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हो गया। अब देखिए भाग 14 तक तो कंप्लीट हो गया, अब भाग 15 चलेगा जो कि निर्वाचन है। 324 से 329 के बीच में वो है, तो वो भी देखिए चार पांच आर्टिकल है, तो उसमें भी दो तीन आर्टिकल मिक्स करके 15, 16, 17 कर देंगे उसमें भी हम लोग। ठीक है, तो ओके, थैंक यू। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, और यदि आप लोग का कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में पिन करें। ओके, जय हिंद, थैंक यू।